हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टी एम आईज होम बेस्ड एजुकेशन। लास्ट वीडियो वी हैड कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2.12.1। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर टॉपिक, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन दैट वील स्टार्ट विद एक्सरसाइज 12.2। नाउ इन 12.2 द क्वेश्चन नंबर 1 इज बीइंग गिवन, दैट सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को कंबाइन करके वी हैव टू सिंप्लीफाई। सो वील फाइंड आउट द लाइक टर्म्स फ्रॉम हियर। सो हियर इट इज 21b, हियर इट इज -20b, ये 32 है एंड हियर इट इज +7b, मीन्स थ्री टर्म्स आर हैविंग बी। सो वॉट वील डू, वील ब्रिंग ऑल थ्री टूगेदर। सो 21b प्लस 7b माइनस 20b, सॉरी माइनस 32। ओके, सो अब लाइक टर्म्स साथ में आ गए, सो इट विल बी इजी फॉर अस टू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो 21 प्लस 7 इज 28, सो 28b माइनस 20b माइनस 32। सो अगेन वी कैन सब्ट्रैक्ट 28 माइनस 20, मीन्स इट विल कम टू 8b माइनस ये 32 एज इट इज आ जाएगा। अगर उसके साथ और कोई भी कांस्टेंट होता तो वहाँ पे भी प्लस माइनस होता, बट इट इज़ ओनली अलोन माइनस 32 एज अ कांस्टेंट टर्म, दैट्स व्हाई इट विल बी रिटन एज इट इज। अंडरस्टूड? पहले क्या करना है, लाइक टर्म्स को साथ में लेके आना है, साइन जो है माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, डोंट चेंज द साइन, रेस्ट एवरीथिंग इज बीइंग इजी। सेकेंड इज माइनस जेड स्क्वेयर प्लस 13z² माइनस 5z प्लस 7z³ माइनस 15z। सो हियर फर्स्ट वी विल सी हाउ मेनी जेड स्क्वेयर टर्म्स आर देयर। सो दिस टू आर जेड स्क्वेयर टर्म्स, जेड टर्म्स आर दिस टू एंड 7z³ इज रिटन will be only alone term which is not having like term of 7 cube. So what we'll do, this 7z³ will write first. ये क्यों फर्स्ट लिखा, बिकॉज नॉर्मली वेन वी यूज टू राइट एनी पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशंस, नॉर्मली इट स्टार्ट्स विद द टर्म विच इज हैविंग द हाइएस्ट पावर, मीन्स ये क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर पावर वन विल कम एंड देन द कॉन्स्टेंट, वो एक पर्टिकुलर एक फॉर्म होता है। सो दैट्स वाई वी हैड रिटन 7z³, बट इफ़ यू आर राइटिंग 7z³ एट द लास्ट ऑल्सो इट इज़ नॉट रॉन्ग, इट इज़ करेक्ट, बट नॉर्मली ट्राई करना कि जो हम फॉर्म करें दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ क्यूब हो, फिर स्क्वेयर हो, फिर विथ पावर वन हो एंड देन द कॉन्स्टेंट नंबर शुड कम। इफ़ यू आर सॉल्विंग इन दिस मैनर ऑल्सो नो प्रॉब्लम, कि भाई 7z² अकेला है तो उसको हम लास्ट में लिख देते हैं तो भी इट इज़ रॉन्ग, द आंसर विल कम सेम। लेकिन क्या होगा कि कभी कभी आंसर में ऐसे दिया होगा कि 7z³ पहले लिखा होगा, आपने लास्ट में लिख दिया होगा, बस उतना ही डिफरेंस होगा और कुछ नहीं, साइन एंड एवरीथिंग विल बी सेम, इट विल नॉट चेंज। तो 7z³ वी हैड रिटन फर्स्ट। अब स्क्वेयर वाले ले लेते हैं, कौन है स्क्वेयर वाला, माइनस z² प्लस 13z², तो ये z² वाले टर्म्स साथ में आ गए। अब कौन आ जाएगा, z वाले टर्म्स, सो माइनस 5z माइनस 15z। सो 7z³ विल बी रिटन एज इट इज। नाउ प्लस माइनस, देखो यहाँ पे भी इंटीजर्स एंड एवरीथिंग विल रिपीट, सो बी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग। यहाँ पे तो खास ध्यान रखना इन दिस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ या साइन इधर उधर हो गई, द आंसर विल गो रॉन्ग। सो बी वेरी केयरफुल एंड पुट प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन इन डूइंग दिस सम। सो माइनस प्लस इज माइनस, वी नो क्योंकि दोनों सेम टर्म है विद जेड स्क्वायर। अब 13 माइनस 1 इज वॉट 12, नाउ 13 इज ग्रेटर सो द साइन ऑफ 12 विल बी पॉजिटिव, सो 12z² विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस टू टर्म्स। नाउ विल मूव टू जेड, नाउ बोथ आर हैविंग सेम साइन मीन्स बिलोंगिंग टू सेम फैमिली, तो क्या करेंगे, माइनस माइनस इज प्लस, सो 15 प्लस 5 इज
20z, but as they are belonging to same family, so the sign will be of minus. So this is our final answer. Now we cannot do anything further. Then third one, it is P minus Q minus P is the question. Now when this type of sum is being given, always first open the bracket. इसके बाद सब सॉल्व करना है. P माइनस इनटू प्लस इज माइनस 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 इज प्लस. देखो चेंज हो गया, हियर P वाज पॉजिटिव बट अस माइनस साइन इज आउटसाइड, सो माइनस इनटू प्लस इज माइनस 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 इज प्लस. माइनस Q माइनस इनटू प्लस इज माइनस एंड माइनस माइनस इज प्लस. एंड नाउ वी हैव टू ब्रिंग द लाइक टर्म्स टुगेदर. So we'll bring P first. So P minus P and plus P. Same we will bring Q together. So plus Q, minus Q and minus Q. Ab solve karna hai. Now always do one thing. जब लाइक टर्म्स को आप ऐड करते हो ना, तब ध्यान रखो कि कौन से पॉजिटिव वाले ज़्यादा हैं तो उनको ऐड करो. एक नेगेटिव है तो फिर उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करो. सो हियर टू पी आर पॉजिटिव, दिस पी इज पॉजिटिव एंड हियर ऑल्सो इट इज पॉजिटिव. सो वी कैन राइट इट एज 2p माइनस पी. और अनदर थिंग ऑल्सो यू कैन डू, ये प्लस पी है ये माइनस पी है, वो 1 - 1 इट विल बिकम 0. तो भी आंसर सेम आएगा, इट विल नॉट इफेक्ट योर आंसर कि ये प्लस P है ये माइनस P है, तो दे विल बी बिकमिंग 0. तो बाकी क्या बचा, P. यहाँ पे भी दोनों नेगेटिव है और एक एक देखो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो प्लस माइनस विल बिकम माइनस, 1 - 1 विल बी 0. तो बाकी क्या बचेगा, माइनस Q. सो दैट इज ऑल्सो द वे विच यू कैन डू इट. और ये दोनों को ऐड करो, P प्लस पी इज 2P, उसमें से माइनस एक पी, प्लस क्यू माइनस माइनस इज प्लस, 1 + 1 = 2, बट इट विल बी माइनस 2Q. नाउ 2p माइनस पी मीन्स 2 - 1 = p, 2 - 1 = 1, बट एज इट इज ग्रेटर सो माइनस क्यू. माइनस 1q नहीं लिखा, क्यों सर, 2 - 2 - 1 = 1 and 1q we do not use to write, we just use to write it as q. Now fourth one, it's 3a - 2b - ab - a - b + ab + 3ab + b - a. Again the bracket is being there, very careful you have to be here. So again you will write 3a - 2b - ab - a - (-a - (+b - (-ab + 3ab + b - a). Now we'll bring the like terms together. So 3a, here it's minus a and here also it's minus a. So a terms we had brought together. Now next is minus 2b. So we'll write minus 2b. Here it is plus b. Here also it's plus b. What is remaining? Minus ab. So minus ab. -ab and +3ab. पहले क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया, साइन चेंज हुए. नाउ वी ब्रॉट द लाइक टर्म्स टुगेदर एंड नाउ वी एड एंड सब्ट्रैक्ट. सो 3a बोथ आर नेगेटिव, सो माइनस माइनस इज प्लस, सो a प्लस ए इज -2a, b प्लस बी इज 2b, सो -2b + 2b,
अगेन माइनस माइनस इज प्लस, सो माइनस 2ab प्लस 3ab. नाउ 3 माइनस 2 इज 1, सो इट विल बी a. माइनस 2b प्लस 2b विल बिकम 0. 2 माइनस 2 इट विल बी 0, सो विल नॉट राइट 0b, फिर वहां पे 0b नहीं लिखना है. हियर 3, हियर इज 2, 3 माइनस 2 इज 1, बड़ा कौन है, 3 इज ग्रेटर एंड 3 इज हैविंग विच साइन, पॉजिटिव साइन इट इज हैविंग, सो विल राइट a प्लस ab. देन 3 माइनस 2 इज 1, माइनस 2 प्लस 2 इज 0, 3 माइनस 2 इज 1 एंड इट कम्स टू ए बी. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. जब भी आंसर में 0 आए डोंट मैंशन देयर अस 0 बी और 0 ए बी और 0 ए, नो नीड टू राइट, जो बचा है वो ही लिखना है. देन सिक्स्थ वन आई एम डूइंग, फिफ्थ वन यू हैव टू डू इट बाई योर सेल्फ. सिक्स्थ वन इट इज 3y² प्लस 5y माइनस 4 माइनस 8y माइनस y² माइनस 4. When the expressions are written inside the bracket, at that time you have to be very careful when you will open the bracket. Okay, so as we will open the bracket, in the first expression there will be no change. Now the change will come, minus into plus is minus, minus into minus is plus, minus into minus is plus. And now we'll bring the like terms together, so 3y², here it will be plus y², then plus 5y, minus 8y, minus 4 and plus 4. So 3y² plus y² means 3 plus 1, it will become 4y², then minus 8 and plus 5. So plus minus is minus and 8 minus 5 is 3 and 8 is greater, so minus 3y and minus 4 plus 4, the answer will come as 0. 4 minus 4 is 0. So this is our final answer. This is how we have to add the like terms together. Same way we'll move to question number 2. Now question number 2, again it is given add, but after each and every term they had mentioned comma there. Here also it's comma. So first we have to put the addition sign in between, then only the sum will move further. Many of them used to do what, minus 3m minus 5 plus 8mn minus plus minus nahi lagate, so that's why the answer goes wrong. So first what you have to do is 3mn, क्योंकि सम ऐड करना है इसलिए प्लस साइन कंपलसरी लगानी है, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगाना है. देन माइनस 5mn प्लस 8mn प्लस माइनस 4mn. नाउ वील ओपन द ब्रैकेट, सो 3mn प्लस माइनस इज माइनस mn प्लस 8mn प्लस माइनस इज माइनस 4mn. Now bring the positive together and negative together, so it will be easy for us to add and subtract. So positive kaun hai, 3mn plus 8mn, dono ko add kar do. Now we are doing directly, ek separately nahi likh raha hu. So 3 plus 8 it will become 11mn, dono negative hai usko add karo, 5 plus 4 is 9, so it's minus 9mn. Now 11 minus 9, the answer will come, that will be 2mn. Understood? Pehle plus ki sign lagani hai, open the bracket, bring the already there are like terms, so it's very easy. Fir jo positive hai unko add kar do, 8 plus 3 it became 11, minus 5 and minus 4 it will become minus 9. Now 11 minus 9 it will be 2mn. Anyhow you will do, देखो यहाँ पे भी करोगे प्लस माइनस इज माइनस, सो माइनस 5 प्लस 3 मीन्स इट इज माइनस 2, माइनस 2 प्लस 8 इज 6
and 6 minus 4 it is 2. Anyhow you will do add and subtract, the answer will come same, it will not change. But it's better always bring the like terms together, after that bring the positive terms together, add them, negative terms together, add them, and then you can do easily subtraction over there. The second one is t minus 8tz plus 3tz. Okay. Tz minus z and z minus t. So 3 binomials are there and we have to add them. So what we'll do, t minus 8tz plus 3t, okay, plus 3tz minus z plus z minus t. So what will happen now, open the bracket. So t minus 8tz will be written as it is, kyunki wahan pe koi fark nahi padega, plus 3tz plus into minus is minus plus z minus t. Now what we'll do, we'll bring all terms which is having t together, phir tz aur phir z. So first here it is t, here it's minus t, then minus 8tz plus 3tz minus z plus z. Abhi dekho, plus t minus t will be 0, minus z and plus z means 1 minus 1 is 0, here also 1 minus 1 is 0. तो ये दोनों तो आए गए नए आंसर में, अब क्या बचा, माइनस 8tz एंड प्लस 3tz. सो 8 माइनस 3 इज 5 एंड as 8 इज ग्रेटर, सो द साइन ऑफ माइनस 5tz इज द फाइनल आंसर. अंडरस्टूड, नो नीड टू राइट दिस 0. थर्ड वन इट्स माइनस 7mn प्लस 5 12mn plus 2, 9mn minus 8, minus 2mn minus 3. So 4 expressions are there and we have to add it. So what we will do is equal to, first we will put the addition sign. Isko nahi rakhunga bracket mein to bhi chalega, okay, plus. Here also it is plus sign, so no need to put the bracket, you write directly mn plus 2. Here it is there, so put them inside the bracket, minus 8 plus minus 2 mn minus 3. Here why we had not the we had not put the bracket, because it is already positive, so positive it will be not affecting our answer there. Plus 5 plus 12 mn plus 2, plus into plus is plus, plus into minus is minus, plus minus is minus, and plus minus is minus. Now we'll bring mn together, so minus 7 mn plus 12 mn plus 9 mn minus 2 mn. All mn like terms we had brought together. Now the constant terms, plus 5 plus 2 minus 8 minus 3. जो पहले किया था वो ज्यादा है, पॉजिटिव जो है उनको ऐड करो, नेगेटिव है उनको ऐड करो, एंड देन यू डू सब्ट्रैक्शन. सो दिस टू आर पॉजिटिव, 12 एंड 9, सो 12 एंड 9 इज 21 mn, 7 plus 2 is 9, so minus 9 mn. Now here also add 5 plus 2 is 7, so plus 7 minus 8 and 3 is 11, so 11. Now 21 minus 9, so 21 minus 9 is 12 mn, 11 minus 7 is 4, so it will be minus 4 will be the answer.
simple. Just you have to be very careful in opening the bracket and doing addition and subtraction, else it's very easy. Next one, fourth one, it's a plus b minus 3, b minus a plus 3, a minus b plus 3. So again we'll put the plus sign in between first. A plus b minus 3 plus b minus a plus 3 plus a minus b plus 3. So a plus b minus 3, open the bracket, plus b minus a plus 3 plus a minus b plus 3. Now bring the like terms of a together, so a minus a plus a, then bring b together, so plus b and minus b, then constant terms, minus 3 plus 3 plus 3. Now देखो यहाँ पे भी कर देना है तो चलेगा, प्लस माइनस विल बी 1 माइनस 1 विल बी 0, सो व्हाट इज रिमेनिंग, ए इज रिमेनिंग. यहाँ पे भी प्लस माइनस इज 1 माइनस 1 इज 0, सो व्हाट इज रिमेनिंग, प्लस बी. 3 माइनस 3 इज 0, व्हाट इज रिमेनिंग, प्लस 3. दिस इज आवर आंसर. अंडरस्टूड ना हाउ आई हैड डन, 1 माइनस 1 a minus a is 0, what is remaining, a, so that a had came. 1 minus 1b minus 1b is 0, what is remaining, so plus b. Minus 3 plus 3 is 0, so what is remaining, plus 3. One next step or ho jata, that 1 plus 1 2, so 2a minus a will be a. 2 1 plus 1b is equal to 2b minus b is equal to b. 3 plus 3 6, 6 minus 3 it will be 3. So that will be one step increased. Or kuch fark nahi hoga, the answer will come, that will be same. Now fifth one it is 14x plus 10y minus 12xy minus 13 and 18 minus 7x minus 10y plus 8xy and 4xy. So 14x plus 10y minus 12xy minus 13, and see 1 2 3 and 4 terms, so it will be called as a polynomial. 18 minus 7x minus 10y plus 8xy 4x y is then. So now first we'll put the plus sign in between, so 14x plus 10y minus 12xy minus 13 plus. Abhi agar aapko samajh mein aaya, you can do it directly, so we can skip this step. Okay, ek step skip ho sakta hai. So dekho yahan pe comma hai, plus into plus will be plus, plus minus will be minus, again plus minus will be minus, plus plus will be plus, and it will be always plus. Okay, now we'll bring x terms together, so 14x minus 7x. Okay, now y terms, so plus 10y then minus 10y over, then minus 12xy plus 8xy plus 4xy. Now constant terms are remaining, that is minus 13 plus 18. Okay, x wale okay, y wale together, x y together, and constant term also together. So now when you will solve it,
14 minus 7 is 7x, plus 10 minus 10, it will become 0, माइनस ये दोनों 8 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 8 प्लस 4 इज 12 एंड 12 माइनस 12 इज 0, सो ये भी 0 हो गया, सो नो नीड टू राइट. नाउ प्लस माइनस इज माइनस, 18 माइनस 13 इज प्लस 5, सो 7x प्लस 5 इज अवर आंसर. यहाँ पे क्यों 0 हो गया, आई होप सो यू अंडरस्टूड, दिस टू आर पॉजिटिव, 8 प्लस 4 इज 12, माइनस 12 प्लस 12 इट्स 0, प्लस 10y माइनस 10y इज ऑल्सो 0, 18 इज ग्रेटर, सो प्लस माइनस इज माइनस, 18 माइनस 13 दैट कम्स टू 5, सो द फाइनल आंसर कम्स दैट इज 7x प्लस 5. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड. द रिमेनिंग सम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ. इट्स सिंपल, बी वेरी accurate in doing the sums. ये sums करते time फिर इधर उधर ध्यान नहीं जाना है, किसी से बात नहीं करना है, just do it with proper concentration, you will get the correct answers. Okay, so don't worry, in the next video we'll continue with this exercise. So till then, thank you and take care.